हाँ जी नमस्कार, मैं प्रवीण मिड्डा स्वागत करता हूँ आपका जेबी क्लासेस के मोबाइल ऐप पर। चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग की क्लास। आज आपको रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके जो एग्ज़ाम के अंदर आने वाला है, इनपुट आउटपुट है। आज अपन स्टार्ट करते हैं इनपुट आउटपुट। आप ये मान के चलिए आपके एग्ज़ाम के अंदर 3 से लेके 5 नंबर का जो काम है वो आपका इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड आ सकता है वाला। हालांकि ये जो चैप्टर है बैंक के एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा आता था, लेकिन इस बार पटवारी के एग्ज़ाम के अंदर भी ये वाला चैप्टर जो है वो ऐड किया गया है। तो आप ये मान के चलें आपके एग्ज़ाम के अंदर ये वाला चैप्टर 3 से लेके 5 नंबर का आएगा ही आएगा। तो चलिए बात करते हैं अपन इनपुट और आउटपुट की। अगर इनपुट आउटपुट की अगर अपन बात करें तो देखो इनपुट आउटपुट के अंदर क्या होगा, आपके पास कुछ एक वर्ड्स आपको दे रखे होंगे और कुछ एक नंबर्स आपको दे रखे होंगे। ध्यान से सुनिएगा, इनपुट आउटपुट में क्या होगा, आपके पास कुछ एक वर्ड्स आपको दे रखे होंगे और कुछ एक नंबर्स आपको दे रखे होंगे। आपने क्या करना है, इन वर्ड्स को और नंबर्स को एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज आपने करना है और आपको ये बताना है कि इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करने में टोटल कितने स्टेप बनेंगे, कुल कितने चरण जो हैं वो बनेंगे। इनपुट आउटपुट वाले सवालों में आपके पास क्या दे रखा होगा, एक पैटर्न आपको पहले से दे रखा होगा। पहले आपने उस पैटर्न को अच्छे से देखना है, उसमें सवाल का पहले लॉजिक आपने ढूंढना है और उसी लॉजिक को फॉलो करते हुए जो आगे आपके पास क्वेश्चंस आएंगे उन सवालों का आंसर आप सभी बच्चों ने आपने देना है आपने, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने पहले सवाल का लॉजिक आपने फाइंड आपने करना है कि सवाल का लॉजिक आपके पास क्या होगा, ठीक है जी। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल आपको बताता हूं कि क्या किस तरीके से सवाल आपके पास आएगा। जैसे एक इनपुट आपके पास दे रखा है, ये इनपुट आपको दे रखा है और इसके बाद इसने 6 स्टेप आपको दे रखे हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से इसने इसको अरेंज करके दे रखा है, ठीक है। अब आपने मेरी बात को ध्यान से समझना है, चाहे आपके पास कोई वर्ड आपके पास दे रखा है, चाहे कोई नंबर दे रखा है, चाहे कोई वर्ड आपके पास दे रखा है, चाहे कोई नंबर आपके पास दे रखा है, आपने क्या करना है उसको एक इंडेक्स मानना है। आपने क्या करना है उसको क्या मानना है, एक इंडेक्स आपने मानना है। और आपने एक बात और याद रखनी है कि एक स्टेप में हमेशा एक ही इंडेक्स कवर होगा। एक स्टेप में कितने इंडेक्स कवर होंगे, एक। एक स्टेप में कितने इंडेक्स कवर होंगे, एक। और जो इंडेक्स आप पहले से कवर कर चुके हो उसका रिपीटेशन नहीं होगा। जो इंडेक्स आप पहले से कवर कर चुके हो उसका रिपीटेशन जो है वो नहीं होगा। तो आपने क्या बात याद रखनी है, चाहे कोई वर्ड दे रखा है, चाहे कोई नंबर दे रखा है, आपने उसको क्या मानना है, एक इंडेक्स मानना है, ठीक है। क्या मानना है, इंडेक्स मानना है। और एक स्टेप के अंदर कितने इंडेक्स कवर होंगे, एक इंडेक्स कवर होगा। और जो इंडेक्स आप पहले से कवर कर चुके हो उसका रिपीटेशन नहीं होगा, उसका रिपीटेशन नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए पहले अपन सवाल का लॉजिक देखते हैं कि पेपर में सवाल किस तरीके से आता है और इसी लॉजिक को फॉलो करते हुए आपने आगे के क्वेश्चंस का आंसर आपने देना है। अब ध्यान पूर्वक देखिएगा, आपके पास एक इनपुट आपके पास यहां पर दे रखा है, जैसे गुड फॉर एवरीथिंग दे रखा है, 19 दे रखा है, 37 दे रखा है, 26 दे रखा है, ऑल दे रखा है, 65 दे रखा है, ठीक है। अगर अपन पहले स्टेप की अगर अपन बात करते हैं तो पहले स्टेप के अंदर इसने क्या किया, ऑल को लेकर आया यहां पर। अब देखो ऑल को अरेंज इसने किया। एक बार अपन सवाल का लॉजिक देखते हैं कि क्या लॉजिक बन सकता है। जब जिंदगी में पहली बार इनपुट आउटपुट का अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कुछ एक सवालों के लॉजिक आपको मेरे को बताने पड़ेंगे। जब मैं आपको कुछ एक सवालों के लॉजिक बता दूंगा तो उसके बाद आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे तो वो सारे के सारे लॉजिक अपने आप आपके दिमाग में स्ट्राइक करने लग जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे देखो सबसे पहले इसने क्या कर रखा है, ऑल को अरेंज कर रखा है। अब आप एक बार चेक करो, ये जो गिवन इनपुट आपको दे रखा है, ये जो इनपुट आपको दे रखा है, इस इनपुट में सबसे छोटे वाला अल्फाबेट कौन सा दे रखा है, ए। सबसे छोटे वाला अल्फाबेट कौन सा दे रखा है, ए दे रखा है ना। तो देखो इसने क्या किया, पहले स्टेप के अंदर फर्स्ट वाली पोजीशन पर सबसे छोटे वाले जो है, सबसे छोटे वाले अल्फाबेट को सेट कर दिया, क्योंकि इस गिवन इनपुट में सबसे छोटे वाला अल्फाबेट कौन सा दे रखा है, ए। तो यहां पे इसने ए को अरेंज कर दिया।
मैंने क्या कहा था, एक स्टेप में कितने इंडेक्स कवर होंगे, एक, एक स्टेप में कितने इंडेक्स कवर होंगे, एक। इसने एक को अरेंज करने के बाद देखो गुड से लेके बाद बाकी सारा का सारा इनपुट जो है वो इसने एज इट इज उतार दिया। मैंने कहा था एक स्टेप में एक ही इंडेक्स कवर होगा, अब एक को अरेंज करने के बाद बाकी सारा का सारा स्टेप इसने एज इट इज उतार दिया। अब देखो आप, क्या पहले वाले स्टेप के अंदर ए का रिपीटेशन हुआ क्या, क्या पहले वाले स्टेप में ए का रिपीटेशन हुआ क्या, नहीं हुआ ना। मैंने क्या बात बोली थी, जो इंडेक्स आप पहले से कवर कर चुके हो उसका रिपीटेशन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो आप, अब अपन सेकंड स्टेप की बात करेंगे, तो जो इंडेक्स आप पहले से कवर कर चुके हो ये तो आपका उसी लोकेशन पर आएगा ही आएगा, जो स्टेप आप पहले से कवर कर चुके हो वो तो आपका उसी लोकेशन पर आना ही आना है आपका। अब इसने क्या किया, सेकंड स्टेप के अंदर ऑल के बाद 65 को रेंज किया, किसको रेंज किया, 65 को रेंज किया। एक बार चेक करो गिवन इनपुट में सबसे बड़े वाला नंबर कौन सा दे रखा है, 65। अरे भैया सबसे बड़ा नंबर कौन सा दे रखा है, 65 दे रखा है। तो इसने क्या किया, 65 को रेंज करने के बाद बाकी बचा हुआ इनपुट सारा का सारा एज इट इज उतार दिया। क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा था, एक स्टेप में कितने इंडेक्स कवर होंगे, एक, एक स्टेप में कितने इंडेक्स कवर होंगे, एक, और जो इंडेक्स आप पहले से कवर कर चुके हो उसका रिपीटेशन नहीं होगा, उसका रिपीटेशन नहीं होगा, ठीक है। अब तीसरे स्टेप की बात करते हैं, जब तीसरे स्टेप की अपन बात करेंगे तो जो पहले वाले दो स्टेप अपन कवर कर चुके थे वो तो आपके एज इट इज आने ही आने हैं, ठीक है। अब इसने क्या किया, 65 के बाद इसने क्या किया, ई को रेंज किया। एक बार चेक करो गिवन इनपुट में ए से बड़े वाला अल्फाबेट कौन सा दे रखा है, ई, ए से बड़े वाला अल्फाबेट कौन सा दे रखा है, ई दे रखा है। तो थर्ड वाली पोजीशन पर इसने क्या किया, एवरीथिंग को रेंज कर दिया। मैंने क्या कहा था, एक स्टेप में कितने इंडेक्स कवर होंगे, एक होगा, और बाद बाकी बचा हुआ इनपुट इसने सारा का सारा एज इट इज उतार दिया, बाद बाकी जो बचा हुआ इनपुट है सारा का सारा एज इट इज उतार दिया। अब देखो चौथे स्टेप की जब अपन बात करेंगे तो चौथे स्टेप की जब अपन बात करेंगे तो पहले वाले जो तीन इंडेक्स आप कवर कर चुके हो ये तो आपके आने ही आने। अब इसने क्या किया, एवरीथिंग के बाद ये 37 को लेकर आए। एक बार चेक करो गिवन इनपुट में 65 से छोटे वाला नंबर कौन सा आ जाएगा, 37 आ जाएगा। तो इसने क्या किया, यहां पे 37 को रेंज कर दिया, और 37 को रेंज करने के बाद बाकी जो बचा हुआ इनपुट होगा वो सारा का सारा एज इट इज आ जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को इस सवाल का लॉजिक समझ में आ गया होगा। इस सवाल का लॉजिक आपका क्या कहता है, सबसे छोटा अल्फाबेट सबसे बड़ा नंबर, क्या लॉजिक कहता है, सबसे छोटा अल्फाबेट सबसे बड़ा नंबर, क्या लॉजिक कहता है, सबसे छोटा अल्फाबेट सबसे बड़ा नंबर। अब देखो ये जो अल्फाबेट्स हैं ये तो आपके असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, छोटे से लेके बड़े क्रम में जा रहे हैं, और जो नंबर्स आपके जा रहे हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, बड़े से लेके छोटे के क्रम में जा रहे हैं, और ये अल्टरनेट के अंदर कर रहे हैं, मतलब पहले सबसे छोटा अल्फाबेट आएगा, उसके बाद सबसे बड़ा नंबर आएगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा अल्फाबेट आएगा, और उसके बाद उससे छोटा नंबर आएगा। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को जो है ये वाला लॉजिक जो है समझ में आ गया होगा, और इसी लॉजिक को फॉलो करते हुए आपने गिवन क्वेश्चंस के आंसर आपने देने हैं। देखो भैया इनपुट आउटपुट का चैप्टर पढ़ने से पहले क्या क्या बातें आपके दिमाग के अंदर होनी चाहिए, कि चाहे कोई वर्ड दे रखा है चाहे कोई नंबर दे रखा है आपने इसको क्या मानना है, इंडेक्स, क्या मानेंगे, इंडेक्स, और एक स्टेप में कितने इंडेक्स कवर हो जाएंगे, एक कवर होगा, और जो इंडेक्स आप पहले से कवर कर चुके हो उसका रिपीटेशन नहीं होगा, जो इंडेक्स आप पहले से कवर कर चुके हो उसका रिपीटेशन नहीं होगा। और लगे हाथ आपने एक बात और बड़े ध्यानपूर्वक आपने सुननी है, कि अगर किसी स्टेप में, ध्यान से सुनना, यदि किसी स्टेप में कोई चीज अपने आप आ रही है, ऑटोमेटिक आ रही है, बाय डिफॉल्ट आ रही है, दोबारा बता रहा हूं, यदि किसी स्टेप में कोई चीज अपने आप आ रही है, ऑटोमेटिक आ रही है, बाय डिफॉल्ट आ रही है, देन आपने उसको एज ए स्टेप काउंट नहीं करना, आपने उसको एज ए नंबरिंग आपने नहीं लगानी है। भाई लास्ट टाइम बता रहा हूं, यदि किसी स्टेप में कोई चीज
चीज अपने आप आ रही है, ऑटोमेटिक आ रही है, बाय डिफॉल्ट आ रही है, देन आपने उसको एज ए स्टेप आपने काउंट आपने नहीं करना है। ठीक है जी, तो चलिए बात करते हैं सवालों की। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को करने के दो मेथड आपके पास है। एक तो आप पूरा डिटेल में इस तरीके से लिख कर कर सकते हो, और दूसरा आप इनकी नंबरिंग लगा के भी कर सकते हो। मैं दोनों मेथड आपको बता दूंगा, जो मेथड आपको बढ़िया लगे आप उस मेथड को फॉलो करके गिवन क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है जी, चलिए मैं पहले आपको पूरा डिटेल में लिख के क्वेश्चन कैसे करते हैं उसका एग्जांपल आपको बताता हूं। ये क्वेश्चन नंबर एक आपके सामने है, ये इनपुट आपके पास दे रखा है, ये कहता है जी इस इनपुट को आपने एक सिस्टमेटिक तरीके से आपने अरेंज आपने करना है। ठीक है, और आपको ये कहता है कि पुनर्व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए टोटल कितने स्टेप बनेंगे, कुल कितने चरण बनेंगे। ठीक है जी, चलिए अब अपन बात करते हैं पहले स्टेप की। पहला स्टेप अपन बनाते हैं, मैंने क्या कहा था कि सबसे, आपने लॉजिक पढ़ा था सबसे छोटा अल्फाबेट सबसे बड़ा नंबर। क्या लॉजिक पढ़ा था, सबसे छोटा अल्फाबेट सबसे बड़ा नंबर। अब देखो इस गिवन इनपुट में सबसे छोटे वाला कौन सा आ जाएगा, जी आ गया। तो मैंने क्या किया, जी को लिखा फर्स्ट वाली पोजीशन पर, और एक स्टेप में जब एक इंडेक्स कवर होगा तो बाद बाकी बचे हुए जो सारे के सारे इंडेक्स होंगे बाद बाकी एज इट इज आने चाहिए। देखो जी को मैंने यहां पे लिख दिया, उसके बाद जो बचा हुआ इनपुट था 1 आएगा, 13 आएगा, 9 आपके पास आ जाएगा, उसके बाद 25 आपके पास आ जाएगा, 72 आपके पास आ जाएगा, प्लीज आपके पास आ जाएगा, और बाद में क्या आ जाएगा, 47 आ जाएगा। मैंने क्या कहा था, जो इंडेक्स आप पहले से कवर कर चुके हो उसका रिपीटेशन नहीं होगा। तो देखो जी का रिपीटेशन नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अगले स्टेप की बात करते हैं, बात करते हैं स्टेप नंबर दो पे। जब स्टेप नंबर दो बनाएंगे तो ये जी तो आपके पास आना ही आना है। अब एज पर रूल्स आपके पास स्टेप नंबर दो में जी से बड़ा, सॉरी आपके पास सबसे बड़ा नंबर आना चाहिए। गिवन इनपुट में सबसे बड़े वाला नंबर कौन सा है, 72 है, तो जी के बाद क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। एक स्टेप में कितने इंडेक्स कवर होंगे, एक कवर होगा, तो बाद बाकी बचा हुआ इनपुट आपने एज इट इज लिखना है। जब एज इट इज लिखेंगे तो आपके पास 1 आएगा, 13 आपके पास आ जाएगा, 9 आपके पास आ जाएगा, 25 आपके पास आ जाएगा, उसके बाद क्या आना चाहिए, प्लीज आना चाहिए, और प्लीज के बाद क्या आना चाहिए, 47 आना चाहिए। ये दो स्टेप अपने बन चुके हैं। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं स्टेप नंबर तीन की। बात करते हैं जब स्टेप नंबर तीन अपन बनाएंगे तो ये जी आपके पास आ जाएगा और 72 ये तो आपके पास आने ही आने हैं। एज पर रूल्स आपके पास स्टेप नंबर तीन में 72 के बाद जी से बड़ा अल्फाबेट आना चाहिए। जी से बड़ा अल्फाबेट कौन सा आएगा, एन। तो मैंने क्या किया, यहां पे किसको अरेंज कर दिया, एन को अरेंज कर दिया। एन को अरेंज करने के बाद मैंने क्या कहा था, एक स्टेप में एक ही इंडेक्स कवर होगा, बाद बाकी आपने एज इट इज आपने लिख देना है। ठीक है, तो देखो भैया जी यहां पर आपके पास 1 आ जाएगा, 13 आपके पास आ जाएगा, 25 आपके पास आ जाएगा, प्लीज आपके पास आ जाएगा, और उसके बाद आपके पास क्या आना चाहिए, 47 आपके पास आना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं स्टेप नंबर फोर की। बात करते हैं जब स्टेप नंबर फोर अपन बनाएंगे तो गो आपके पास आएगा, 72 आपके पास आएगा, और नाउ आपके पास, ये तो आपके पास एज इट इज आने ही आने हैं। अब एज पर रूल्स आपके पास एन के बाद, एज पर रूल्स आपके पास एन के बाद 72 से छोटा नंबर आना चाहिए, तो वो कौन सा आना चाहिए, 47 आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए, 47 आना चाहिए। अब देखो मैंने क्या कहा था, एक स्टेप में कितने इंडेक्स कवर होंगे, एक कवर होगा, तो 47 को अरेंज करने के बाद बाद बाकी जो बचा हुआ इनपुट है, जैसे 1 आएगा, 13 आपके पास आ जाएगा, 25 आपके पास आ जाएगा, और उसके बाद क्या आना चाहिए, प्लीज आना चाहिए। ठीक है जी, ये चार स्टेप अपने बन चुके हैं। अगर अपन बात करेंगे स्टेप नंबर 5 की, अगर अपन बात करेंगे तो देखो जो इंडेक्स आप पहले से कवर कर चुके हो ये
ये तो आपके पास एज इट इज आने ही आने हैं। अब यहां देखो आपके पास क्या जाएगा, ये 47 यहां तक का मामला तो आपके पास आना ही आना है। एज पर रूल्स 47 के बाद एन से बड़ा अल्फाबेट आना चाहिए, तो एन से बड़ा अल्फाबेट कौन सा आना चाहिए, पी। ये लो अपन ने क्या किया, यहां पे किसको अरेंज कर दिया, प्लीज को अरेंज कर दिया। प्लीज को अरेंज करने के बाद जो बचा हुआ इनपुट है आपका एज इट इज आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 13 आपके पास आना चाहिए, और उसके बाद क्या आना चाहिए, 25 आपके पास आना चाहिए। ये 5 स्टेप अपने बन चुके हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं स्टेप नंबर 6 की, बात अगर अपन करेंगे तो देखो भैया जी, गो आपके पास आएगा, 72 आपके पास आ जाएगा, ये नाउ आपके पास आएगा, 47 आना चाहिए, प्लीज आना चाहिए। अब बात की गहराई को समझना, एज पर रूल्स प्लीज के बाद 47 से छोटा नंबर आना चाहिए, 47 से छोटा नंबर कौन सा आना चाहिए, 25। क्या आना चाहिए, 25। मैंने क्या कहा था, एक स्टेप में कितने इंडेक्स कवर होंगे, एक। अरे एक स्टेप में कितने इंडेक्स कवर होंगे, एक। तो 25 के बाद एज पर रूल्स क्या आना चाहिए, बाद बाकी बचा हुआ इनपुट आना चाहिए, 25 के बाद 1 आना चाहिए, 13 आना चाहिए। ये लो मैंने क्या किया, 1 यहां पे लिख दिया और बाद में क्या लिख दिया, 13 लिख दिया। अब आप सभी स्टूडेंट्स ने बात की गहराई को समझना है, देखो 25 तो अपन ने अरेंज कर दिया, एज पर रूल्स 25 के बाद पी से बड़ा अल्फाबेट आना चाहिए, और पी से बड़ा अल्फाबेट कौन सा आना चाहिए, W। अब देखो ये W जो है वो अपने आप आ रहा है। अगर आपको थोड़े टाइम पहले वाली बात याद हो तो मैंने क्या कहा था, यदि किसी स्टेप में कोई चीज अपने आप आ रही है, ऑटोमेटिक आ रही है, बाय डिफॉल्ट आ रही है, देन आपने उसको नंबरिंग नहीं लगानी है, उसको आपने एज ए स्टेप काउंट आपने नहीं करना है। अब देखो एज पर रूल्स 1 के बाद क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए, तो 13 भी अपने आप आ रहा है। और मैंने क्या कहा था, यदि किसी स्टेप में कोई चीज अपने आप आ रही है, ऑटोमेटिक आ रही है, बाय डिफॉल्ट आ रही है, देन आपने उसको एज ए स्टेप काउंट आपने नहीं करना। तो सवाल मेरे से पूछा गया था, पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरण चाहिए, तो टोटल कितने चरण चाहिए होंगे, 6 चरण चाहिए होंगे, और ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, 3 बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, 3 नंबर बनेगा। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को ये पहले वाला जो क्वेश्चन है सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। देखो ये तो सवाल को पूरा डिटेल में लिख के करने का एक तरीका है, और इसका एक शॉर्ट सा मेथड और भी है जिसमें अपन नंबरिंग लगा के काम कर सकते हैं। नंबरिंग लगा के काम कैसे करेंगे उसका भी एक एग्जांपल आप समझें, फिर उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आप क्वेश्चंस को कैसे करना चाहते हो आप। चलिए जी, ये जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवाया है, ये सेम क्वेश्चन आपको मैं नंबरिंग लगवा के करवाता हूं कि नंबरिंग लगाने के बाद ये वाला क्वेश्चन आपके पास कैसा होगा। अब देखो आपके पास जो इनपुट आपके पास दे रखा है, 1 आपके पास दे रखा है, 13 आपके पास गिवन है, ये 9 आपके पास दे रखा है, 25 आपको गिवन है, उसके बाद 72 आपके पास दिया हुआ है, उसके बाद ये प्लीज आपके पास दे रखा है, और प्लीज के बाद आपके पास गो आएगा, और लास्ट में क्या दे रखा है, 47 दे रखा है। चलिए मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों को सवाल का लॉजिक याद होगा। सवाल का लॉजिक अभी अभी अपन ने क्या पढ़ा था, सबसे छोटा अल्फाबेट सबसे बड़ा नंबर। क्या पढ़ा था, सबसे छोटा अल्फाबेट सबसे बड़ा नंबर। अब देखो इस गिवन इनपुट में सबसे छोटे वाला अल्फाबेट कौन सा दे रखा है, जी। तो जी को नंबर क्या मिलेगा, एक। जी को नंबर क्या मिलेगा, एक। अब देखो मैंने क्या कहा था, एक स्टेप में कितने इंडेक्स कवर होंगे, एक। एक स्टेप में कितने इंडेक्स कवर होंगे, एक। अब देखो जी को 1 नंबर देने के बाद डब्ल्यू से लेके 47 तक का मामला सारा का सारा एज इट इज आना चाहिए, आप समझ लो आ गया। अगर आप ये वाली अपने मन में बोल दोगे कि एक स्टेप कवर अपने कवर करने के बाद बाकी बचा हुआ इनपुट सारा का सारा एज इट इज आना चाहिए, समझ लो आ गया, तो यदि कोई चीज अपने आप आएगी, ऑटोमेटिक आएगी, बाय डिफॉल्ट आएगी, तो उसको अपन गलती से नंबर नहीं लगाएंगे, ठीक है जी। चलिए अब देखो जी के बाद बाकी बचा हुआ इनपुट एज इट इज आ गया। अब आपके पास एज पर रूल्स जी के बाद सबसे
बड़ा नंबर आना चाहिए। सबसे बड़ा नंबर कौन सा आना चाहिए? 72 आना चाहिए। 72 को नंबर कितना मिलेगा? 2। मैंने क्या कहा था, एक स्टेप में कितने इंडेक्स कवर हो जाएंगे? 1। अब 72 को 2 नंबर देने के बाद एज पर रूल्स जी से बड़ा अल्फाबेट आना चाहिए। जी से बड़ा अल्फाबेट कौन सा आ जाएगा? एन। मैंने क्या कहा था, एक स्टेप में कितने इंडेक्स कवर हो जाएंगे? 1। तो देखो भैया, एन को 3 नंबर देने के बाद डब्ल्यू से लेके 47 तक का मामला एज इट इज आना चाहिए। आप समझ लो, आ गया, ठीक है। अब अपन बात करें, एन के बाद 72 से बड़ा अपने छोटा नंबर आना चाहिए, तो वो कौन सा आना चाहिए? 47। 47 को नंबर कितना मिलेगा? 4। 47 को नंबर कितना मिलेगा? 4। 47 को 4 नंबर देने के बाद W से लेके बाद बाकी बचा हुआ इनपुट सारा का सारा एज इट इज आना चाहिए, ठीक है। अब देखो, 47 के बाद एज पर रूल्स N से बड़ा अल्फाबेट आना चाहिए। N से बड़ा अल्फाबेट कौन सा आना चाहिए? P। तो P को नंबर कितना मिलेगा? 5। P को नंबर कितना मिलेगा? 5। अब देखो, P को 5 नंबर देने के बाद आपके पास बाद बाकी बचा हुआ जो इनपुट है वो एज इट इज आपके पास आना चाहिए। समझ लो, आ गया, ठीक है। अब एज पर रूल्स पी को 5 नंबर देने के बाद आपके पास 47 से छोटा नंबर आना चाहिए। 47 से छोटा नंबर क्या आ जाएगा? 25। 25 को नंबर कितना मिलेगा? 6। 25 को नंबर कितना मिलेगा? 6। और 25 को 6 नंबर देने के बाद बाकी जो बचा हुआ इनपुट है वो सारा का एज इट इज आना चाहिए। अब आपने बात की गहराई को समझना है। एज पर रूल्स 25 के बाद क्या आना चाहिए? W आना चाहिए। ये W अपने आप आ रहा है, बाय डिफॉल्ट आ रहा है। मैंने क्या कहा था, यदि किसी स्टेप में कोई चीज अपने आप आएगी, बाय डिफॉल्ट आएगी, देन आपने उसको एज ए स्टेप काउंट नहीं करना। तो ये W को अपन नंबर नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये वाली चीज आपके पास ऑटोमेटिक आ रही है। और एज पर रूल्स W के बाद आपके पास क्या आना चाहिए? 13 आना चाहिए। और ये 13 अगर आपके पास अपने आप आ गया तो इसको एज ए स्टेप काउंट नहीं करेंगे। तो इस पुनर्व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए कुल कितने चरणों की जरूरत होगी? 6। कुल कितने चरणों की आवश्यकता होगी? 6 चरणों की आवश्यकता होगी, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर आपका क्या आना चाहिए? 3। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को ये पहला एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब देखो, मैंने पहले क्वेश्चन को दोनों मेथड से करके दिखाया, एक तो पूरा डिटेल में आपको करके बताया और दूसरा मैंने आपको इसकी नंबरिंग के करवाया। अब आपने ये वाली बात डिसाइड करनी है कि ये वाला क्वेश्चन आपने कैसे करना है, पूरा डिटेल में लिख के करना है या फिर आपने नंबरिंग लगा के करनी है। मेरा ऐसा मानना है, अगर आप ऐसे सवालों को नंबरिंग लगा के करोगे तब आपका पेपर में टाइम आपका बचेगा, आपका तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखो, 2 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है? ये कहता है आपको एक इनपुट का चरण अपने थर्ड दे रखा है, तीसरा स्टेप आपको दे रखा है। अब मेरी सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आपने सवाल को पढ़ना ढंग से है कि पेपर में क्या लिखा हुआ है, कि यहां इस जगह पर इनपुट लिखा हुआ होगा या स्टेप का कोई नंबर लिखा होगा। सवाल को पढ़ना ढंग से है कि इनपुट लिखा हुआ है या स्टेप का थर्ड नंबर लिखा हुआ है। अब देखो, ये आपको कहता है इनपुट का तीसरा स्टेप आपको दे रखा है, मतलब ये स्टेप नंबर आपके पास कितना दे रखा है? ये 3 नंबर दे रखे हैं। अब देखो, मैंने आपको एक बात बोली थी, एक स्टेप में कितने इंडेक्स कवर होते हैं? 1। तो अगर तीसरा स्टेप दे रखा है तो कितने इंडेक्स कवर करके दे दिए? 3। तीसरा स्टेप अगर आपको इसने दे रखा है तो ये तीनों के तीनों आपको इसने कवर करके दे दिए। और अब अपन को जो स्टेप बनेगा वो कितना नंबर बनेगा? 4 नंबर। कितने नंबर बनेगा? 4 नंबर। ये लो, जब अपन 4 नंबर स्टेप अपन बनाएंगे तो देखो, ये कार आपके पास पहले से अरेंज है, 81 आपके पास पहले से अरेंज है और डेस्क आपके पास पहले से अरेंज है। अब एज पर रूल्स आपके पास डेस्क के बाद 81 से छोटा नंबर आना चाहिए। 81 से छोटा नंबर कौन सा आना चाहिए? 42 आना चाहिए। ये लो, यहां पे अपन ने क्या लिख दिया? 42 लिख दिया। मैंने क्या कहा था, एक स्टेप में कितने इंडेक्स कवर होंगे? 1 कवर होगा। तो
42 के बाद बाकी जो बचा हुआ इनपुट है, जैसे 15 आएगा, 39 आपके पास आएगा, ये टोल आपके पास आएगा और मोर आपके पास आएगा, ये स्टेप नंबर आपका बनेगा 4। स्टेप नंबर क्या बनेगा? 4। बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की। अगर अपन बात करेंगे तो ये देखो कार आपके पास आएगी, 81 आपके पास आएगा, ये डेस्क आपके पास आएगा, ये 42 आपके पास आएगा। एज पर रूल्स 42 के बाद आपके पास डी से बड़ा अल्फाबेट आना चाहिए। डी से बड़े वाला अल्फाबेट कौन सा आना चाहिए? एम। तो यहां पर अपन किसको अरेंज करेंगे? एम को। तो एम का मोर आपने यहां पे लिख दिया। और आपने क्या पढ़ा था? एक स्टेप में कितने इंडेक्स कवर होंगे? एक। तो मोर के बाद बाकी सारा इनपुट है, 15 आएगा, 39 आप आएगा और उसके बाद क्या आना चाहिए? ये टोल आपके पास आना चाहिए। ठीक है जी, बाद बाकी बचा हुआ इनपुट एज इट इज आना चाहिए। चलिए अब अपन बात करते हैं स्टेप नंबर 6 की। बात करते हैं जब 6 नंबर स्टेप बनाएंगे, कार आएगा, 81 आपके पास आएगा, डेस्क आपके पास आएगा, 42 आपके पास आएगा, मोर आपके पास आएगा। अब एज पर रूल्स आपके पास मोर के बाद 42 से छोटा नंबर आना चाहिए। 42 से छोटा नंबर कौन सा आना चाहिए? 39 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 39 आना चाहिए। 39 के बाद बाकी बचा हुआ इनपुट एज इट इज आना चाहिए, 15 आपके पास आएगा और क्या आना चाहिए? ये टोल आना चाहिए। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ये कहता है निम्नलिखित में से स्टेप नंबर 6 बताना है। अब देखो स्टेप नंबर 6 आपका ये बनेगा। 6 नंबर अंदर आपके पास क्या कहानी बनेगी? कार आएगा, 81 आएगा, डेस्क आएगा, 42 आएगा, मोर आएगा, 39 आएगा, 15 आएगा, टोल होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा 3। ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा? 3। चलिए उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको जो है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। भाई आपने सबसे पहला काम सवाल की इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ना है कि क्या लिखा हुआ है। ये कहता है एक इनपुट का स्टेप नंबर 2 दे रखा है, इनपुट का स्टेप नंबर 2 दे रखा है। ये जो अपने पास दे रखा है ना, ये स्टेप नंबर 2 आपके पास गिवन है। मैंने आपको एक बात कही हुई है कि एक स्टेप में कितने इंडेक्स कवर होते हैं? एक। तो दूसरा स्टेप जब इसने दे रखा है तो कितने इंडेक्स कवर करके दे दिए? 2। अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट हो जाएगी? 3 से। नंबरिंग कहां से स्टार्ट हो जाएगी? 3 से। अब जब दूसरा स्टेप दे रखा है तो इसने पहले वाले ये 2 इंडेक्स कवर करके दे दिए, पहले वाले दोनों इंडेक्स इसने कवर करके दे दिए। अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट हो जाएगी? 3 से। नंबरिंग कहां से स्टार्ट हो जाएगी? 3 से स्टार्ट। तो एज पर रूल्स 53 के बाद बी से बड़ा अल्फाबेट आना चाहिए। बी से बड़ा अल्फाबेट आपके पास कौन सा आएगा? एच। एच को नंबर कितना मिलेगा? 3। अरे एच को नंबर कितना मिलेगा? 3। अब एच को 3 नंबर देने के बाद टी से लेकर 12 तक का मामला एज इट इज आना चाहिए। आप समझ लो आ गया। ठीक है, एज पर रूल्स एच के बाद आपके पास 53 से छोटा नंबर आना चाहिए। वो क्या आना चाहिए? 43। 43 को नंबर कितना मिलेगा? 4। 43 को नंबर कितना मिलेगा? 4। एक स्टेप में कितने इंडेक्स कवर होंगे? एक। 43 को 4 नंबर देने के बाद बाकी बचा हुआ इनपुट आपने एज इट इज आपने लिखना है। ठीक है, अब देखो 43 को 4 नंबर देने के बाद एज पर रूल्स एच से बड़ा अल्फाबेट आना चाहिए। वो कौन सा आना चाहिए? एन। एन को नंबर कितना मिलेगा? 5। एन को नंबर कितना मिलेगा? 5। और एन को 5 नंबर देने के बाद बाकी बचा हुआ इनपुट आपने एज इट इज लिखना है। लिख दिया। अब देखो भैया जी, अपने एन को 5 नंबर देने के बाद एज पर रूल्स 43 से छोटा नंबर क्या आना चाहिए? 27। 27 को नंबर कितना मिलेगा? 6। कितना नंबर मिलेगा? 6। 27 को 6 नंबर देने के बाद बाकी जो बचा हुआ इनपुट है, जैसे ये टी अपने आप आ गया और 12 आपके पास अपने आप आ गया। मैंने क्या कहा था? यदि किसी स्टेप में कोई चीज अपने आप आ रही है, ऑटोमेटिक आ रही है, बाई डिफॉल्ट आ रही है, देन आपने उसको एज ए स्टेप
आपने अकाउंट आपने नहीं करना। अब आपने सबसे पहली बात सवाल को पढ़ना ढंग से है कि पेपर में सवाल क्या पूछा गया। यदि सवाल मेरे को ये कहता कि इस सिस्टम को अरेंज करने में कुल कितने चरण चाहिए होते तो टोटल कितने स्टेप रिक्वायर्ड आपको होते 6। लेकिन सवाल आपको ये कहते हैं पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए और कितने चरण चाहिए, और का मतलब कितने चरण चाहिए होंगे 4। 4 क्यों चाहिए होंगे, क्योंकि पहले 2 चरण इसने अपने आप बना के दे दिए। जब पहले 2 चरण बना के दे दिए, अपन ने और कितने चरण बनाए हैं 4, तो आपके सवाल का आंसर आपका बनेगा सेकंड ऑप्शन बनेगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है क्वेश्चंस को पढ़ना ढंग से है कि पेपर में सवाल आपसे क्या पूछा गया। उम्मीद करता हूं तमाम विद्यार्थियों को ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपके पास आ रहा है 122 से लेकर 124 नंबर क्वेश्चन है। अब देखो भैया सवाल क्या कहता है, 8 व्यक्ति हैं एक वृत्ताकार मेज के गिर्द बैठे हैं। 8 कैंडिडेट हैं एक वृत्ताकार मेज के गिर्द बैठे हैं। तो मैंने आपको क्या समझाया था, जब 8 लोगों का सवाल होगा देन सबसे पहला काम आपने क्या करना है, एक सर्कल आपने बना के रख लेना है आपने, और 8 के 8 स्लॉट आपने बना के रख लेने हैं। पहला कैंडिडेट आपने हमेशा नीचे की तरफ आपने बिठाना है ताकि लेफ्ट राइट बायां दायां समझने में आपको आसानी हो, ठीक है जी। चलिए ये 8 स्लॉट बना के अपन ने रख लिए। पहली लाइन देखो क्या कहती है, सी के राइट थर्ड नंबर पर ये आना चाहिए। सी को यहां पे बिठा दिया, सी के राइट थर्ड नंबर पर ये आ जाएगा, सी के राइट थर्ड नंबर पर ये आ जाएगा। आगे कहता है ए और एच के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। मैंने आपको एक बात समझाई थी, 8 लोगों का सवाल 3 का गैप आमने सामने बैठेंगे, 8 लोगों का सवाल 3 का गैप आमने सामने बैठेंगे। आगे क्या कहता है, ई के राइट थर्ड नंबर पर डी बैठा है, ई ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। भाई ई ए का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है तो मैंने क्या किया, ई को यहां पे बिठा दिया, ई के राइट थर्ड नंबर पर डी आना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आएगा, डी आना चाहिए। अब ई के राइट थर्ड नंबर पर डी आना चाहिए तो ये लो यहां पे कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। आगे क्या कहता है, बी के ठीक बाएं जी बैठा है, बी के ठीक बाएं जी बैठा है मतलब ये दोनों जहां भी आएंगे साथ आएंगे, बी के ठीक बाएं कौन आना चाहिए, जी आना चाहिए। आगे कहता है जी ए का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी ए का पड़ोसी नहीं है ये आपके सवाल का आंसर नहीं बन सकता, बस बचा हुआ बंदा यहां पे बिठा दो ये आपके सवाल का आंसर बन जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं अगर आपका ये सर्कल आपका बन गया तो गिवन सवालों के आंसर आपके आसानी से आ जाएंगे। तो ये लो बचा हुआ जो कैंडिडेट आपका यहां पर आना चाहिए वो कौन आना चाहिए, एफ आना चाहिए। बचा हुआ कैंडिडेट कौन आना चाहिए, एफ आना चाहिए। अगर आपका ये अरेंजमेंट आपका बन गया, सर्कल आपका बन गया, तो इससे रिलेटेड जो गिवन क्वेश्चंस होंगे वो आपके आसानी से हो जाएंगे, ठीक है जी। ये लो सवाल नंबर आपके पास है, डी के संदर्भ में एफ का स्थान बताना है, डी के संदर्भ में एफ का स्थान, तो डी के बाएं दूसरे स्थान पर एफ आना चाहिए, तो डी के बाएं दूसरे स्थान पर आना चाहिए। अब देखो बाएं दूसरे स्थान पर ऑप्शन आपके पास नहीं है तो दूसरी तरफ से चेक कर दें, डी का दायां पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, तो डी के दाएं छठे स्थान पर कौन आना चाहिए, एफ आना चाहिए, ये आपके सवाल का आंसर बनेगा, ठीक है। अगला सवाल कहता है एच के बाई और आगे बढ़ा जाए तो एच और ए के बीच में कितने बंदे हैं, एच के बाई और आगे बढ़ना है, ये इसका फेस सेंटर में है, एच के लेफ्ट बढ़ेंगे तो एच और ए के बीच में कितने कैंडिडेट्स आ रहे हैं, 3 कैंडिडेट्स आ रहे हैं, तो आपके सवाल का आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। अगला सवाल है दी गई व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित 5 में से 4 एक निम्नलिखित 4 में से 3 होगा एक निश्चित प्रकार से समान है, पहला दे रखा है बी और जी दे रखा है। जब ऐसा सवाल आएगा तो आपने डिफरेंस चेक करना होता है, अब बी और जी दोनों एक साथ बैठे हैं। अगला क्या दे रखा है, सी और एच दे रखा है तो सी और एच दोनों एक साथ बैठे हैं। अगला एफ और ई दे रखा है तो एफ और ई दोनों एक साथ बैठे हैं। अगला बी और एच दे रखा है तो यहां देखो भैया जी बी और एच भी दोनों साथ बैठे हैं, डिफरेंस तो कहीं पे भी नहीं आ रहा। अब आपने काम क्या करना है, लेफ्ट और राइट आपने चेक करना है। अब देखो पहला ऑप्शन आपके पास दे रखा है बी और जी दे रखा है, तो आप देखो बी के लेफ्ट में क्या आ रहा है, जी आ रहा है, पहली बात लेफ्ट में बैठा है,
दूसरी बार देखो आपके पास अगला ऑप्शन है सी और एच दे रखा है, तो सी के लेफ्ट में एच आना चाहिए, इन दोनों की क्वालिटी सेम है। तीसरा ऑप्शन देखो आपके पास क्या दे रखा है, तीसरा जो ऑप्शन आपके पास है एफ और ई दे रखा है, तो एफ के लेफ्ट में ई आ रहा है, ये लो जी ये भी देखो ये तीनों के तीनों लेफ्ट में आ रहे हैं। चौथा ऑप्शन दे रखा है बी और एच दे रखा है, तो देखो बी के राइट में एच आ रहा है, बाकी तीन लेफ्ट में आ रहे हैं, चौथा राइट में आ रहा है, तो ये आपके सवाल का आंसर बनेगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ रहा है 125 से लेकर 128 नंबर, ये सीधी पंक्ति वाला सवाल है, सीधी पंक्ति वाला। पहली पहली लाइन देखो क्या कहती है, टोटल 8 व्यक्ति आपके पास बैठे हैं, उत्तर की ओर उनका फेस है, है ना। पहली लाइन कहती है एस पंक्ति के एकदम दाएं छोर पर बैठा है, एस राइट वाले कॉर्नर पर आना चाहिए, 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पे कौन आ जाएगा, एस आ जाएगा। एस तथा सी के बीच में केवल 4 बंदे बैठेंगे, ये लो एस और सी में कितने का गैप होना चाहिए, 4 का। आगे कहता है बी तथा क्यू दोनों सी के पड़ोसी हैं, बी को बिठा दो यहां पर, क्यू को बिठा दो यहां पर, क्यू को बिठा दो यहां पर, बी को बिठा दो यहां पर, ठीक है। आगे क्या कहता है, क्यू तथा पी के बीच में केवल 2 बंदे आने चाहिए, क्यू यहां बैठा है 2 का दिया गैप, पी यहां पर आएगा, क्यू यहां बैठा है 2 का दिया गैप, पी आपका यहां पर आ सकता है, और पी जो है वो आपका यहां पर भी आ सकता है, ठीक है। आगे एक लाइन कहती है पी एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जब पी एस का पड़ोसी नहीं है तो पी यहां पर नहीं आ सकता, ए के बाएं दूसरे स्थान पर आ आना चाहिए, ए को बिठा दो यहां पे, ए के लेफ्ट सेकंड नंबर पर कौन आ जाएगा, आर आ जाएगा। अब देखो भैया जी, ए के लेफ्ट सेकंड आर आना चाहिए, अगर ए को यहां पे बिठाऊंगा आर यहां नहीं आ सकता, ए को यहां बिठाऊंगा आर यहां नहीं आ सकता, और ए को बिठाऊंगा तो आर नहीं आ सकता, ये नीचे वाला आपके सवाल का आंसर नहीं बन सकता। बस बचा हुआ कैंडिडेट आप यहां पे बिठा दोगे, और बचा हुआ कैंडिडेट आपका कौन आना चाहिए, डी आना चाहिए, बस ये आपके सवाल का आंसर बनेगा। और मैंने आपको क्या बात समझाई, अगर आपका ये अरेंजमेंट अगर आपका बन जाता है तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनका आंसर देने में आपको कहीं पर भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 125 से लेकर 128 आपका डन है आपका, ठीक है जी। चलिए सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, सी के राइट थर्ड नंबर पर कौन आना चाहिए, डी आना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका भी आ जाएगा 4। आगे कहता है डी के बाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या, देखो डी के बाएं कितने बंदे बैठे हैं, 2 बैठे हैं, 4 बैठे हैं, 5 बैठे हैं, डी के बाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या डैश 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 के दाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या के समान है, अगर डी के लेफ्ट में 5 बंदे हैं तो चेक करो किसके राइट में 5 बंदे होंगे, सी के राइट में जो है वो 5 कैंडिडेट होने चाहिए, तो ये जो है वो आपके सवाल का आंसर बनेगा कि सी के राइट में 5 कैंडिडेट आने चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं 127, ये क्या कहता है, क्यू तथा ए के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, क्यू और ए के बीच में कितने व्यक्ति आनेंगे, 2 आएंगे, आर और डी आने चाहिए, और ऑप्शन नंबर आपका क्या आना चाहिए, 1। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पंक्ति के अंतिम छोरों पर बैठे व्यक्तियों को निरूपित करता है, तो अंतिम छोरों पर कौन कौन बैठे हैं, पी और एस, ऑप्शन नंबर आपका क्या आना चाहिए, 1। हेलो जी, ये आपके सवाल का आंसर आपका बनेगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, 2 सवालों का एक सेट आपके पास है डिसीजन मेकिंग का, डिसीजन मेकिंग का एक सेट आपके पास है, तो चलिए अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 से लेकर 130 है, डिसीजन मेकिंग का एक सेट आपके पास है। अब डिसीजन मेकिंग के अंदर आपके पास क्या दे रखा है कि एक जगह पे एक संस्था में विपणन प्रबंधक का चयन करने की कुछ शर्तें आपको दे रखी हैं, ठीक है। अब इसमें सवाल देखो कैसे आता है कि अगर मान लो कोई बंदा शर्त पूरी करेगा तो उसका सिलेक्शन हो सकता है, अगर शर्त नहीं पूरी करेगा तो उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता, इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो डिसीजन मेकिंग के अंदर आते होते हैं। पहली पहली शर्त देखो ये क्या कहता है कि आयु जो है 1/12/2011 को कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग के अंदर अपन को सबसे पहला काम टेबल आपको बनानी है। देखो भैया पहले पहले वाली जो शर्त आपको दे रखी है वो एज की शर्त आपको दे रखी है, ये क्या कहता है 1/12/2011 को
उम्र जो है वो कितनी दे रखी है, 25 से लेके 35 साल के बीच में होनी चाहिए। 1/12/2011 को उम्र जो है वो 25 से लेके 35 साल के बीच में होनी चाहिए, ये पहली शर्त आपको दे रखी है, ठीक है जी। दूसरी शर्त आपको क्या कहता है कि कम से कम 55% कुल अंकों के साथ किसी भी अनुशासन में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। सेकंड वाली जो शर्त आपको ये क्या कहता है कि यूजी की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, नंबर आने चाहिए 55% आने चाहिए, कितने आने चाहिए 55%। ये कहता है किसी भी अनुशासन में होनी चाहिए। किसी भी अनुशासन का मतलब क्या होगा कि बीए हो सकता है, बीकॉम हो सकता है, बीएससी हो सकता है, किसी भी अनुशासन में बस ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तीसरी शर्त ये कहता है कम से कम 60% अंकों के साथ विपणन प्रबंधन में विशेषज्ञता के साथ प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा, तीसरी जो शर्त आपको ये क्या कहती है, तीसरी शर्त आपको ये कहती है विपणन के अंदर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर पीजी या डिप्लोमा किया होना चाहिए, पीजी या फिर डिप्लोमा किया होना चाहिए, और नंबर कितने आने चाहिए 60% आने चाहिए, कितने आने चाहिए 60% नंबर जो है उसके आने चाहिए। चौथी शर्त आपको कहती है शिक्षा प्राप्ति के बाद किसी भी संस्था में सहायक के रूप में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये चौथी शर्त आपको ये क्या कहती है कि बंदे को एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस कितने साल का होना चाहिए 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, असिस्टेंट के रूप में होना चाहिए। ये 4 मेन शर्तें आपको दे रखी हैं, ठीक है जी। अब आगे देखो क्या कहता है, ये कहता है कोई व्यक्ति सारी शर्तें पूरी करता है, ठीक है, सिवाय, सिवाय का मतलब जो 4 शर्तें आपको दे रखी है उनमें से कोई एक आधी शर्त पूरी नहीं होगी। ये कहता है उपरोक्त सेकंड के कि उसको ग्रेजुएशन में कम से कम अपने 50% और विपणन में विशेषज्ञता सहित पोस्ट ग्रेजुएट में 65% अंक मिले होने चाहिए। इस बात को ध्यान से समझिएगा, मेन शर्त ये कहती है कि ग्रेजुएशन में 55% नंबर आने चाहिए और विपणन में पीजी या डिप्लोमा में 60% नंबर आने चाहिए। अब आपको ये कहता है अगर मान लो कोई बंदा ये सेकंड वाली शर्त पूरी नहीं करता, सेकंड शर्त पूरी ना करने का मतलब है अगर उस बंदे के नंबर 55% नहीं आते हैं लेकिन उस बंदे के नंबर अगर 50% आते हैं और इसके बदले में पीजी या डिप्लोमा में नंबर अगर उसके 65% या मोर देन 65% अगर उसके नंबर आते हैं तो इसका मामला जो है किसके पास भेजा जाएगा, प्रमुख विपणन के पास भेजा जाएगा। किसके पास भेजा जाएगा, प्रमुख विपणन के पास मामला जो है वो भेजा जाएगा। तो इसको एक बार अपन साइड में यहां पे एज ए हिंट में लिख लेते हैं कि अगर ये वाली शर्त पूरी नहीं होती है तो मामला किसके पास भेजा जाएगा, प्रमुख विपणन के पास। अरे किसके पास भेजा जाएगा भैया जी, प्रमुख विपणन के पास मामला जो है वो भेजा जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, उपरोक्त फर्स्ट के परंतु उसकी आयु 40 साल से अधिक ना हो। पहली जो शर्त आपने पढ़ी थी वो एज की पढ़ी थी कि उम्र जो है 25 से लेके 35 साल के बीच में होनी चाहिए। अब आपको इसके कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो कोई बंदा ये शर्त पूरी नहीं करता, जैसे उसकी उम्र जो है, जैसे उसकी एज जो है अगर 35 प्लस हो जाती है, अगर उसकी एज जो है वो 35 अगर प्लस हो जाती है तो, और लेकिन 40 क्रॉस नहीं होना चाहिए, 40 जो है वो क्रॉस नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 40 लिख दिया। और इसके बदले में आपको क्या कहते हैं, अगर उस बंदे को एक्सपीरियंस 8 या 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सहायक के रूप में कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक सेकेंड रुकना भाई, हाँ जी,
अगर उस बंदे को 8 या 8 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस होगा तो इसका मामला जो है वो प्रबंध निदेशक के पास भेजा जाएगा। किसके पास? प्रबंध निदेशक के पास भेजा जाएगा। सबसे पहला काम तो ये टेबल आपने बनानी है। अब जो जो बंदा जो जो शर्त पूरी करता जाएगा वो उसके आगे टिक मार कौन कर देंगे, और अगर शर्त पूरी नहीं होगी तो उसके आगे लिख के क्रॉस का निशान अपन ने लगा देना है। पहला कहता है मानसी का जन्म 8 मार्च 1982 को हुआ था। भाई मानसी का जन्म 8 मार्च 1982 को हुआ था। आयु की गणना कब होनी है? 1/12/2011 को होनी है। तो देखो भैया जी, पहले आप 2000 में से 1982 माइनस कर दो, कितने हो जाएंगे? 18। 18 और 11 कितने हो जाएंगे? 29। उम्र मांगी है 25 से लेके 35 साल के बीच में। इसकी उम्र कितनी है? 29 साल। ये लो, ये पहले वाली शर्त आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है जी, आगे क्या कहता है? 70% अंकों के साथ विपणन प्रबंधन में विशेषज्ञता सहित की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पूरी करी है। मैंने क्या कहा था कि पीजी या डिप्लोमा होना चाहिए, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होना चाहिए, विपणन में ही होना चाहिए। नंबर कितने आने चाहिए? 60% आने चाहिए। इसके नंबर कितने आए हैं? 70% आए हैं। अब 1% जगह पे दिमाग आपने तब लड़ाना है कि यहां पे स्लैश लगा के 65 भी लिखा हुआ है। 65% वाली शर्त आपकी पूरी तब होगी जब इस बंदे के नंबर यूजी में ग्रेजुएशन में 55 से कम 50 से ज्यादा होंगे। अभी एक बार मैं यहां पे टिक कर देता हूं क्योंकि मेरे पास ग्रेजुएशन के नंबरों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर उस बंदे के नंबर 55 से कम 50 से ज्यादा हुए तो ये वाला टिक मार्क उठाकर अपन यहां पर लिख देंगे। ठीक है जी, आगे क्या कहता है? पिछले 6 साल से एक सहायक के रूप में जो है काम कर रही है। एक्सपीरियंस किताब ने मांगा कितने का? 5 का। है कितने का? 6 का। शर्त पूरी हो गई है। फिर ये कहता है उसको बीकॉम में 53% मार्क्स मिले हैं। बीकॉम में 53, किताब ने नंबर मांगे कितने हैं? 55। आए कितने हैं? 53। क्या ये शर्त पूरी होगी? क्या नहीं होगी? लेकिन 1% सोचने का काम तब है, यहां स्लैश लगा के 50% लिखा हुआ है। ये 50% वाली कंडीशन आपकी पूरी हो गई है तो ये टिक मार कौन कर दो। मैंने क्या कहा था? यदि उसके नंबर 55 से कम 50 से ज्यादा तो ये वाला टिक मार कपन उठा के यहां लिख देंगे। और जब ये वाला टिक मार का आपका इन दोनों जगह पर आएगा तो मामला किसके पास भेजा जाएगा? प्रमुख विपणन के पास। मामला किसके पास भेजा जाएगा? प्रमुख विपणन के पास भेजा जाएगा। ये आपके सवाल का ऑप्शन बनेगा डी नंबर, कि यदि मामला जो है वो प्रमुख विपणन को भेजा जाएगा। किसको भेजा जाएगा? प्रमुख विपणन को भेजा जाएगा। ये डिसीजन मेकिंग का एक क्वेश्चन है। ठीक है जी, चलिए इसी क्वेश्चन पर आधारित एक क्वेश्चन आपके पास और है इसी सेट के ऊपर ही, तो चलिए इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं। मनोज का जन्म 24 जुलाई 1980 को हुआ था। अगर अपन एज की बात करेंगे, 2000 में से 1980 माइनस करूंगा 20 बचेंगे। 20 और 11 कितने होंगे? 31 होंगे। उम्र मांगी है 25 से लेके 35 साल के बीच में। ये लो भैया जी, ये शर्त आपकी पूरी हो गई है। ठीक है, चलिए आगे देखो क्या कहते हैं। आगे आपको एक लाइन कहती है, 60% अंक लेते हुए विपणन प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा उसने किया हुआ है। अब आपने क्या शर्त पढ़ी हुई है? विपणन के अंदर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पीजी या डिप्लोमा किया होना चाहिए। नंबर कितने आने चाहिए? 60%। और नंबर आए भी कितने? 60%। ये शर्त आपकी पूरी हो गई है। आगे देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट आपको ये कहता है कि एक संस्था में 7 साल से काम कर रहा है, 7 साल से। किताब ने एक्सपीरियंस मांगा कितने का? 5 का। है कितने का? 7 का। ये लो, ये शर्त भी पूरी हो गई है। आगे क्या कहता है? उसको ग्रेजुएशन में 54% मार्क्स मिले हैं। ग्रेजुएशन में कितने नंबर मिले हैं? 54% मार्क्स मिले हैं। किताब ने ग्रेजुएशन में नंबर मांगे कितने हैं? 55%। आए कितने हैं? 54%। क्या ये शर्त आपकी पूरी होगी? क्या नहीं पूरी होती, है ना? क्रॉस का निशान लगा दो। 1% जगह पर दिमाग तब लड़ाना है, यहां नंबर 50 से ज्यादा आ रहे हैं, 55 से कम आ रहे हैं। मामला प्रमुख विपणन के पास तब जाता जब इस बंदे के नंबर पीजी या डिप्लोमा में 65 या 65% से ज्यादा होते। क्या इस बंदे के नंबर पीजी या डिप्लोमा
डिप्लोमा में 65 या 65 से ज़्यादा आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे ना, तो ये लो भी, चार शर्तें थी, तीन शर्तें पूरी करी है, बंदे ने एक शर्त पूरी नहीं करी है तो उस बंदे का सिलेक्शन नहीं होगा, उस कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होगा। आंसर आपका आएगा बी, यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपके थे, ये दोनों के दोनों डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आपके थे, ये जो है वो आपको मैंने करा दिए आपके। चलिए अब आपके पास बारी आपके पास आती है कि कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके कुछ एक पेंडिंग आपके थे, उनके आंसर भी आपको बता देता हूं। सवाल देखो आपको क्या कहता है कि मेमोरी को उसके संग्रहण स्टोरेज क्षमता के बढ़ते क्रम के अंदर आपको व्यवस्थित करने हैं। तो सबसे पहले रजिस्टर आएगा, फिर कैश आएगा, रैम आएगा और हार्ड डिस्क आएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपके पास क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए। चलिए ये बहुत इजी सा सवाल आपका था ये वाला। तो आपके कंप्यूटर का जो पहला 136 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर बनेगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 137। इसमें देखो भैया सवाल क्या कह रहा है, एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए। मैंने बिल्कुल ये वाली बात पढ़ाई हुई आपको कि पेन से या पेंसिल से जो शेडेड किया हुआ पार्ट होता है उसको रीड करने के लिए किसका यूज किया जाता है? OMR का। किसका यूज किया जाएगा? OMR का यूज किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन एक GUI बेस्ड नहीं है? इस सवाल का आंसर बनेगा MS-DOS बनेगा। MS-DOS जो है वो CUI बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे क्या कहता है, विंडो 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली जो पहली स्क्रीन होती है वो क्या कहलाती है? वो तो निश्चित रूप से डेस्कटॉप कहलाती है। क्या कहलाती है? डेस्कटॉप कहलाती है। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 140। SMPS का मतलब बताओ कि क्या होता है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई जो है आपके सवाल का राइट आंसर बनेगा, स्विच मोड पावर सप्लाई। क्वेश्चन नंबर है 141। CPU का वह भाग जो तार्किक संक्रियाएं लॉजिकल ऑपरेशन, मैंने बताया था लॉजिकल और मैथमेटिकल ऑपरेशन किसके द्वारा परफॉर्म होते हैं? ALU के द्वारा। किसके द्वारा? ALU के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ रहा है 142। एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी आकार में सबसे बड़ा होगा? सवाल नंबर आपके पास है 142 कि कौन सा मेमोरी आकार के अंदर बड़ा होगा, तो हार्ड डिस्क इस सवाल का राइट आंसर बनेगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 143। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो प्रोजेक्टर जो है वो किसका एग्जांपल है? आउटपुट डिवाइस का, बाद बाकी सारे इनपुट डिवाइस के एग्जांपल है। सवाल कहता है एक इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज को सहेजने के लिए किया जाता है, तो माइक्रोफोन। कि क्या आंसर बनेगा? माइक्रोफोन, ठीक है जी। 145 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? सवाल कहता है कौन सा जो है वो एक इनपुट डिवाइस नहीं है, क्वेश्चन नंबर आपके पास है, तो स्कैनर जो है वो कौन सा डिवाइस अपने निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? तो स्कैनर जो है एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 146। विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस आपको बताना है। 146 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा प्लॉटर बनेगा। क्या बनेगा? प्लॉटर बनेगा। क्वेश्चन नंबर है 147। एमएस वर्ड में परिवर्तन अंडू करने के लिए, अंडू करने की शॉर्टकट तो सभी बच्चों को पता होगी, कंट्रोल प्लस जेड आपके सवाल का आंसर बनेगा। एमएस वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सेव एज कमांड की शॉर्टकट होती है। किसकी शॉर्टकट होती है? सेव एज कमांड की शॉर्टकट होती है। क्वेश्चन नंबर है 149 नंबर, यह कहता है पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घ अक्षर कैपिटल लेटर बनाने के लिए। ये एमएस वर्ड के अंदर आपको ड्रॉप कैप जब पढ़ाया था तब आपको बताया होगा, ये इंसर्ट के अंदर ड्रॉप कैप आपके सवाल का राइट आंसर आपका बनेगा। और लास्ट क्वेश्चन आपके पास है एमएस वर्ड एक्सेल में 2016 में मेन्यू में मार्जिन्स और ओरिएंटेशन विकल्पों को पेज लेआउट के द्वारा, कहां से? पेज लेआउट के द्वारा सेट किया जा सकता है। तो ये आपके रीजनिंग और कंप्यूटर के क्वेश्चन जो आपके थे, इसकी जो है आंसर की मैंने आपको उपलब्ध करवा दी है। अब आप अपने लेवल पर एक बार चेक कर लेना कि कौन कौन से आंसर्स आपके सही है, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद।